से कोशिश भी एक्सपेक्टेड होती है, कोशिश की भी तवक्को होती है। दुआ के मामले में हमेशा ये फॉर्मूला याद रखें कि दुआ अमल का अल्टरनेट नहीं है। गुमराह है वो कौम कि जो खुद कर सकती है, अल्लाह ने ताकत दी हुई है, वो न करे और अल्लाह से कहे तू कर। गुमराह है वो। और ये हमारे मौला ने हमें सिखाया है, बगैर अमल किए दुआ मांगने वाला बगैर कमान के तीर चलाने वाले की तरह। मिसाल देखें, मैं ज़िमनन आगे बढ़ने से पहले इशारा कर दूं, ये चीज दुआ तावीज सब में यही फॉर्मूला है कि परवरदिगार आलम ने हमें इंसान बनाया है, हमें अकल नामी नेमत अता फरमाई है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ताकत दी है, मशवरा कर सकते हैं हम। दुआ का मकाम क्या होता है? दुआ का मकाम ये होता है कि जो अल्लाह ताला ये फरमाता है गोया कि जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें अता कर रखा है उसे बरूए कार लाओ, मेहनत करो, जो चीज हासिल करना चाहते हो उस चीज के करीब जाने के लिए, उस मकसद से नजदीक होने के लिए जो कुछ मैंने तुम्हें दे रखा है उसे पूरी तरह इस्तेमाल करो और मुझसे दुआ मांगो। जब मैं देखूंगा जो तुमसे तकाजा था वो तुमने पूरा कर दिया, जो तुम्हारी दस्तरस से बाहर के काम होंगे उनमें अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा। इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये चीज इंसान की समझ में गलत बिठा दी गई हो तो इंसान सारी उम्र अमल की तरफ नहीं जाता और चाहता है कि सारे काम वजीफों और तावीजों के जरिए ही होते जाए। मैं घर बैठा रहूं और सारे काम तावीज करें, सारे काम वजीफे करें मेरे, ये गुमराही है। दुआ का मसला क्या है कि तू दुआ अल्लाह से मांग रहा है ना, तो इस काम जिसके लिए तू दुआ मांग रहा है अल्लाह ने पहले भी तो तुझे कुछ चीजें दे रखी हैं, उन्हें इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? उन्हें इस्तेमाल कर और फिर दुआ भी मांग। अल्लाह के नबी फतह की दुआ मांगते हैं बदर के मैदान में दुश्मन के सामने पहुंचकर, न के बगैर तैयारी किए मदीने में बैठ के, या अल्लाह मेरे दुश्मनों को नाबूद फरमा। नबी की सीरत देखें, मैदानों में गए हैं या नहीं गए, मशक्कतें बर्दाश्त की हैं या नहीं की। कौन सी जंग ऐसी जिसके बारे में कोई झूठी रिवायत दिखाइए, दुश्मनों का लश्कर आ रहा हो, नबी पाक ने कोई कलाम पढ़ के फूंक मारी हो और उनकी सफ़े वहीं उलट गई हो, कौन सी जंग है? और अगर नबी ने ऐसा नहीं किया तो दूसरा तो किसी खेत की मूली नहीं है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी पीर बन के आ जाए, अगर कहेगा भी तो झूठ बोलेगा। अल्लाह ने अमल के सिवा किसी कौम के लिए इज्जत और तरक्की नहीं रखी। दुआ का, तावीज का, मसलन किसी वजीफे का अपना मकाम है, लेकिन ये इसका अल्टरनेट नहीं है कि इंसान मेहनत कर सकता है ना करे। किसी ने लतीफा बनाया हुआ कि एक बंदा था, वो दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह मेरा टिकट लॉटरी का निकल आए 10 करोड़ का, तो ऐलान हुआ तो कोई ना निकली, कहता या अल्लाह बादशाह है तो ना सही। अगली दफा लॉटरी के ऐलान होने का टाइम करीब आया, फिर गिड़गिड़ा के सजदे में, या अल्लाह मेरी इस दफा तो लॉटरी निकल आए, फिर कोई ना निकली। तीसरी दफा महीना पहले उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया,
जोक है। कहते फरिश्ता है, उसने जोर से लात मारी पीछे से और उसने कहा कि पहले जाके टिकट तो खरीद बदबख्त। टिकट भी नहीं खरीदा तूने, दुआएं मांग रहे मेरी लॉटरी निकल रहा है, कम से कम ये काम तो कर, बाद में तेरी दुआ काम करेगी। ये हम बाज औकात हम लोग ये कर रहे होते, जो करना जरूरी है वो भी नहीं करते। कहते या अल्लाह सारा तू ही कर, हम लाडले हैं, हमसे नहीं होता। बनी इसराइल की ये खसलत भी अल्लाह ने कुरान में बताई हुई कि ए मूसा तू और तेरा रब जाके लड़ो, हमें क्यों मरवाते हो, इतना ताकतवर अल्लाह उसी से कहो ना लड़ो जाके, जब शहर फतह हो जाए तो हमें बुला लेना बकौल मेरे लंगर करने के लिए, लेकिन लड़ाई हमसे नहीं होती। इसी मुल्क पाकिस्तान को ले लें, सारी पाकिस्तानी कौम सजदे में सर रख के सर फाड़ दे अपना, तब भी इस मुल्क के हालात नहीं बदले, क्योंकि उसका यह तरीका नहीं। अल्लाह के रसूल की सीरत यह तरीका नहीं बताती, उस सीरत में कोशिश कर समझे दुआ के मकाम को। दुआ आप तावीज ऐड कर लें उसमें, आप वजायफ ऐड कर लें, आप एक टांग पे खड़े होकर किए जाने वाले चिल्ले ऐड कर लें उसमें, जो भी है ये अमल का अल्टरनेट कभी भी नहीं हो सकता। बेअमल कौम को अल्लाह ताला उसी तरह रुसवा ही रखता है, उसी हालत में जिस हालत में होती है, उसके लिए अल्लाह अपने कानून नहीं बदलता। तब मेरा रसूल तो जहमतें उठाए और तुम ऐसी कमरे में चिल्ला करके अपनी मुरादों तक पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करता अल्लाह। इसको समझो, क्योंकि बाज लोग जो है वो समझते हैं कि अल्लाह से दुआ करो, बस अल्लाह से दुआ करो, तुम खुद करो आगे निकलो मैदान में, इसका अल्टरनेट दुआ नहीं। इसी तरह आप तवज्जो फरमाए, मैंने जो पहले बात की और जब भी मैं ये बात करता हूं, बाज लोग इसका बिल्कुल एक ऐसा माना ले लेते हैं कि जो कतन मेरी मुराद नहीं होता। मसलन मैंने अभी दो दिन पहले कहा था कि आयतुल कुर्सी उतरी अल्लाह की मारिफत के लिए, हमने मोटरसाइकिल की हिफाजत के लिए रख ली। इस बात से मेरी मुराद ये नहीं थी कि आप हिफाजत के लिए ना पढ़े आयतुल कुर्सी, पढ़े जरूर पढ़े। मेरी मुराद ये थी कि जिस काम के लिए असल में आयतुल कुर्सी का हर लफ्ज गवाही दे रहा है कि ये किस लिए आई है, उस तरफ तवज्जो ही हट जाए। जब भी आयतुल कुर्सी पढ़ो किसी अपने मतलब के लिए पढ़ो, इसलिए पढ़ो ही ना कि ये कहती क्या है, अल्लाह की जात के बारे में क्या बता रही है। ये काम गलत है, ये गुमराही है और अक्सरियत इसमें मुबतला है। मैं भी इसी मुआशरे का फर्द हूं, आयतुल कुर्सी क्या कहती है पता ही नहीं होता। ये पता होता कहां पढ़ के फूकनी है, ये नहीं पता होता इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत कैसे करवाई है। इसी तरह जिस तरह दुआ का अल्टर अमल का अल्टरनेट दुआ नहीं बनती, जहां इंसान से कोई वो काम अमल का तकाजा कर रहा हो, बंदा वहां ना करे अमल और कहे अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये बहुत गलत रवैया है। तवक्कुल का भी ये गलत माना। एक दिन किसी रोड पर कोई रेस्टोरेंट था, वहां पे खाना खाने के लिए गाड़ी हमने पार्क की और सामने ही उनका बैठा हुआ था वो जो कैशियर था, तो मैंने उसे कहा कि गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ, मसला तो कोई नहीं, तुम देख रहे हो। कहता अल्लाह पे तवक्कुल करो। मैंने कहा ये ताला क्यों लगाया दराज पे तूने, अगर अल्लाह पर तुझे मैं तवक्कुल करूँ, तू तो क्यों ताला लगा रहा है इस तिजोरी को, तुझे तवक्कुल नहीं है, तू भी छोड़ के जा, रात को भी बंद मत कर, अल्लाह पे तवक्कुल कर, कोई नहीं चोर लेके जाता। ऐसी स्टूपिड किस्म की नजरियात बनाए हूं, अपने काम पूरे, दूसरे से काम चोरी, ताकि मुझे ख्याल ना रखना पड़े। कह रहा है अल्लाह पे तवक्कुल कर। अल्लाह पे तवक्कुल ये नहीं होता जो किसी चीज में उसको सिक्योर करने के अमली तकाजे हैं वो पूरे किए जाएं, फिर तवक्कुल है अल्लाह पर, नतीजा अल्लाह पे छोड़ा जाए, ना कि खुद काम ही ना किया जाए, खुद बंदा चीज छोड़ के आ जाए कि अल्लाह पे तवक्कुल कर छोड़ रहा हूं, पैसे ऐसे ही पड़े होंगे, नहीं पड़े होंगे, चोरी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी मस्जिद में जूतियां ज्यादा चोरी होती हो, मिसाल के तौर पर, तो वहां एक आधा सीसीटीवी कैमरा लगा दो। ये मत कहो कि मौलाना साहब कह रहे हो कि यहाँ कुर्सियां जूतियां बहुत चोरी हो रही हैं, अभी जो भी नमाजी आए आयतुल कुर्सी पढ़ के आए जूती पर, ये नहीं है अल्टरनेट इसका। तो वो जो फरमा रहे हैं, इस वजह से
बेड़ा गर्क हो गया बहुत सारे लोगों का, वो मैदान अमल से, बल्कि कौम का के मैदान अमल से बाहर निकल जाते हैं। समझते हैं कि इस तरह घर में बैठ के ये चीजों की तकरार से काम हो जाएगा। अमल जरूरी है। सीरत रसूलुल्लाह, सीरत आइम्मा अतहार सब पुकार पुकार के कह रही है कि मैदान अमल में आओ। कहते थे ना हमारे साथ साथी नहीं है, उनको साथियों की भी जरूरत थी अपने क्याम में जाहिरी फतह के लिए, साथी नहीं थे, शहादतें हो गई उनके पास। हमारे पास उनसे ज्यादा ताकतवर दुआएं कि हम मैदान अमल में ना निकलें और दुआओं से काम चला लें। मैं कहूं कि मसलन मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ दी है, कोई नहीं आएगा। इमाम हुसैन के पास आयतुल कुर्सी नहीं थी, उनके खेमों पर हमला हुआ, लूट मार मच गई, उन्हें आयतुल कुर्सी नहीं आती थी कि पढ़ के फूंक देते तो कोई लूट मार ना करता। ऐसा नहीं है। हकायक की दुनिया में आप अल्लाह की किताब पढ़े, आपको हकायक की दुनिया में लेके आती है। अपने रसूल को अल्लाह हुक्म देता है मुसलमानों को, असलाह तैयार करो, बिल्कुल रेडी रहने वाले बंधे हुए तैयार घोड़े तैयार रखो, कहीं नहीं लिखा हुआ तवीज बांधो। अगर दुश्मन को डराना चाहते हो, कितने कितने ज्यादा रूहानी शख्सियात है पाकिस्तान में, डरता है अमेरिका उनसे, डरते हैं ये मुल्क पाकिस्तान से, हम डरते हैं। अपनी सारी रूहानी शख्सियात समेत हम ही को मार पड़ती है। क्यों पड़ती है? इसलिए कि जो किसी कौम की इज्जत और तरक्की के तकाजे हैं उनका अल्टरनेट फूके नहीं होती, और उनका अल्टरनेट पानी दम करना नहीं होता, और उनका अल्टरनेट बेअमली नहीं होती। बाज़ औक़ात दीन के नाम पे ऐसी चीजें राइज कर दी जाती हैं कि लोग समझते हैं, खास तौर पे सुस्त लोग, ठीक है ना, वो जैसे किसी को कहा गया जो बंदा ये तस्बीह पढ़े ना उसको 70 मुजाहिद का सवाब मिलेगा, जहाद का टाइम आया तो कहता मेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊं एक मुजाहिद का सवाब लूं, हो सकता है मारा जाऊं, इधर बैठ के तस्बीह पढ़ता हूं इधर 70 का सवाब घर बैठ के ले लूं। इस तरह का दीन बता के बेड़ा गर्क करते, अमल से कौम को खाली कर देते। आप मौला अली के खुतबों में देखें पुकार पुकार कर क्या फरमाते, तुम घरों के सहनों में गैदरिंग्स में बहुत नजर आते हो लेकिन झंडों के नीचे बहुत कम नजर आते हो। कौन से? जिहाद वाले झंडे, जहां अमल का तकाजा होता है वहां बहुत थोड़ी तादाद आती है तुम्हारी, और जहां पे खाने पीने हो वहां पे तुम ढेर लगा देते हो। जहां पे कोई खतरा ना हो वहां तुम्हारी बड़ी तादाद होती है, और जहां पर अलम जिहाद हो उसके नीचे तुम्हारी तादाद कम नजर आती है। तो बौला के पास भी कोई कलाम नहीं था पढ़ के, तो कमी पूरी कर लेते। सिफीन में जब नेजों पे कुरान उठाया गया और अपनों ने गद्दारी कर दी, मौला कुछ पढ़ के फूंक देते, काम सेट हो जाता। ये सारी आइम्मा की सीरत, घड़ी हुई दास्तानें बहुत है लेकिन जो मुसल्लम बातें हैं आइम्मा की सीरत की वो पुकार पुकार के गवाही दे रही है कि जो कौम मैदान में निकलती है अल्लाह तबारक व तआला उसी को फिर कुर्बानियों के बाद इज्जत भी अता करता है, शरफ भी अता करता है, और जो मैदान घरों से नहीं निकलते फिर उनको घरों में घुस के लोग मारते हैं, फिर कौमें दूसरी उन पर रहम नहीं किया करती। अब यही जो हमारे ताल्लुकात है मसलन अमेरिका के साथ, कितनी ये लोग खुशामत करते हैं, पता नहीं जो टीवी हमें नहीं दिखाता, जो मीडिया में नहीं दिखाता, पता नहीं शायद उनके कहते हो अपने बूट ऊपर करो तुम्हारा बाबरकत तलवा चाटना, हमने इसमें बड़ी बरकत होती है, हो सकता है ये भी करते हो हमें मीडिया ना दिखाता हो। कितनी कितना झुके हैं अमेरिका को, उसके बाद इस मुल्क पाकिस्तान की हालत देखी। IMF हो या वर्ल्ड बैंक को, अमेरिका के आगे झुकने की कितनी कितना हमें बेनिफिट मिला है, वही जबरदस्त किस्म का सूदी कर्जा, ये उनका एहसान है। उल्टा मांगे ना दुआएं, IMF से निजात मिलती है दुआओं से, लेकर दिखाएं। बद दुआओं से इसराइल तबाह होता है तो करके दिखाएं, 70-80 साल तो हो गए सारी उम्मत को बद दुआएं करते इसराइल के लिए, करके दिखाओ तबाह उसको, वो ही मार रहे हैं ना, क्योंकि अमल का अल्टरनेट दुआएं नहीं होती। मैदान में निकलने वाले की दुआ अल्लाह को पसंद आती है कि जो इसको दिया था वो उसने मेरी राह में, आप कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत, कुरान की टोन ये है
कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली हैं, उनके माल भी खरीद लिए हैं, तब बदले में उनको जन्नत दी है। किधर है हमारी जान और माल? अपना सारा सिक्योर, मुझे ना कोई गर्म हवा का झोंका लग जाए और या अल्लाह तू कर, ऐसे तो नहीं होता। ये गजवा तबूक के मौके पर यह आयात उतरी थी, अल्लाह ताला ने फरमाया इनसे अल्लाह ने खरीद लिया, इन्होंने अपनी जानें भी बेच दी हैं अल्लाह को और अपने माल भी बेच दिए हैं अल्लाह को। ये कुरान वाला दीन ये है जिसमें एक मोमिन वही फला तबू तुन अल्लाह व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह की फरमा बिरदारी की हालत उम्र मुआशरे में, जिस मुआशरे में मैं रह रहा हूं उसमें जुल्म और ना इंसाफी और यहां रक्स कर रही है और मैं समझ रहा हूं कि मैं चंद तस्बीहें पढ़ के अपनी ड्यूटी अदा करूं, अल्लाह को राजी कर रहा हूं, मुझे किसी अहमक ने अहमकाना दीन बताया, मुझे सही दीन बताया ही नहीं गया। यह दीन इमाम हुसैन को नहीं पता था, वो निकल पड़े थे। यह दीन बाकी आइमा को नहीं पता था, जिसकी वजह से हुकूमतों ने हर वक्त उन पर जासूस छोड़े होते थे कि एक एक एक्टिविटी पर निगाह रखो, कौन इनसे मिलने आता है, कौन जाता है, कौन इनसे क्या बात करता है। तस्बीहों पर कभी पहरे नहीं लगते, बल्कि जो इस तरह की तस्बीहों उनको तो मस्जिदों को भी चंदे देते हैं हुक्मरान आके कि इस तरह की मस्जिद आबाद रहे, उस तरह की जिसमें मुल्ला की अजा होती है वो आबाद रहे, जिसमें मुजाहिद की अजा होती है वो आबाद ही न हो। तो वो जो फरमा रहे ये ऐसा नहीं है कि बस इंतजार, फिर क्या होता है जब लोग अमल के मैदान में पीछे जाते फिर वो कौमें आहिस्ता आहिस्ता करप्शन दो नंबरियां भी शुरू कर देती। ये दास्तान है इनकी। आयत नंबर 89 सूरतुल बकरा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं शेख साहब के तर्जुमे के साथ इसे पढ़ रहा हूं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास और जब अल्लाह की जानिब से वो किताब आई, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, जो उनके पास मौजूद बातों की तस्दीक करने वाली थी यानी तौरात की, और अब कौन सी किताब आई यानी कुरान, जब उनके पास कुरान आ गया जो उन बातों की तस्दीक करने वाला था जो उनके पास थी यानी तौरात। सुनिएगा असल जुमला जो इंतजार इमाम के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है, इस आयत में असल ये जुमला है, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिउन अलल लदीन कफर, और इससे कब्ल यानी इस कुरान के आने से कब्ल ये लोग काफिरों पर फतह की दुआएं मांगा करते थे। यस्तफ्तिहून का शेख साहब ने तर्जुमा किया फतह की उम्मीद रखते थे, असल तर्जुमा इसका है इस्तिफ्ताह यानी फतह तलब करना, अल्लाह से दुआ मांगना या अल्लाह हमें इन पे फतह अता फरमा। इसकी तफसील आगे आपको बताता हूं, ये क्या दुआ किन के खिलाफ दुआ मांगते थे, ये यहूदी कि जिन्होंने कुरान के जिसका इंतजार कर रहे थे जब वो आया उसके दुश्मन बन गए। तवज्जो कीजिए, बहुत ही इबरतनाक बात है ये। वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लदीन कफरू, और ये लोग इससे कब्ल उन लोगों पर फतह की दुआएं मांगते थे कि जो काफिर थे, लेकिन फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बे, फिर जब उनके पास वो आ गया जिसे वो खूब पहचानते थे, क्या किया, कफरू बे, उसके मुनकिर हो गए। कुफर का माना है जान बूझ कर इनकार। फिर अल्लाह ने क्या मेडल पहनाया इनको, फलअनतुल्लाह अलल काफिरीन, काफिरों पर अल्लाह की लानत है। पहले तुम दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह भेज उस नबी को जो हमें फतह दिलवाए काफिरों पर, इंतजार कर रहे थे तुम, और जब वो आया है तो बेईमानो तुम उसी के दुश्मन बन गए, तुम्हें उसकी बातें पसंद नहीं आ रही,
तुम्हें उस पर नाजिल होने वाली किताब की बातें पसंद, खुद तुमने तौरात को तहरीफ कर करके गड़ गड़ के मूसा के नाम पे पता नहीं क्या क्या वो अचार मुरब्बा तैयार कर दिया अपने दीन का, और अब जब असल हकीकत बयान कर रहा है हमारा रसूल, तुम उसके दुश्मन बन गए। ये इस आयत का लुबे लुबा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, शेख साहब ने इस आयत की तफसीर में, जरूरी है कि आप जान लें, तफसीर अय्याशी एक मारूफ पुरानी तफसीर है मकतब अहले बैत की। शेख साहब लिखते हैं कि तफसीर अय्याशी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आया मुबारका वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुन ताखिर के बारे में मरवी है कि फरमाया, यानी इमाम ने रिवायत की है कि इस आयत का पस मंजर क्या है। तवज्जो कीजिए, अब मैं पढ़ता हूं, वक्त क्योंकि कम है मैं सिर्फ ये इबारत पढ़ रहा हूं। आप, मैं सबको कहता हूं, आपसे भी अर्ज करूं कि ये आप आराम से ये तफसीर, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन है या टैब है या iOS आईफोन वाला है, इसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, बलागुल कुरान को भी और तफसीर कौसर को भी। अब सुनिए, इन यहूदियों का जो मदीने में रहते थे, जो फदक में थे, आसपास की बस्तियों में जितने यहूदी थे, इनका बैकग्राउंड ये, यहूदियों ने अपनी कुतुब में पढ़ा था कि रसूल अकरम यानी आखिरी रसूल, उनका इंतजार कर रहे थे कि रसूल अकरम का मकाम हिजरत ईर और ओहद के दरमियान होगा। एक ओहद पहाड़ है जो मदीना गए, आपको पता है ओहद साथ ही एक पहाड़ी है सिलसिला, लेकिन वो चूंकि अकेला है और कहीं जुड़ा हुआ नहीं और पहाड़ों से, तो वो चंद एक पहाड़ है चंद किलोमीटर का है, वो उसे ओहद कहते, और वहां से कुछ दूर एक और है उसे ईर कहते ऐन से। यहूदियों ने फलस्तीन शाम में अपनी किताबों में अपनी सरजमीनों पर यह पढ़ा था कि आखिरी नबी जो अल्लाह का है वो फलां सरजमीन पर ओहद और ईर के दरमियान हिजरत करके आएगा। कदीम जमानों से इनकी किताबों में यह बात लिखी हुई थी, और आप देखिए अल्लाह के नबी इसी सरजमीन पर आए हिजरत करके। वो इस जगह की तलाश में निकल पड़े अपने वतन से, फलस्तीन वगैरह से। जब वो हिदाद नामी पहाड़ तक पहुंचे तो कहने लगे, हिदाद और ओहद एक ही चीज है, उन्होंने ओहद सुना हुआ था लेकिन ये और था। चुनाचे वो यहीं पर मुंतशिर हो गए, कुछ तेमा में मुकीम हो गए, बाज फदक में बस गए, कुछ लोग खैबर में रहने लगे। ये सारे उधर से हिजरत करके आए हुए थे, आए किस लिए थे, उस सरजमीन की तलाश में, ताकि अल्लाह के नबी की जियारत करें जब वो हिजरत करके आए। तो इनको एक गलतफहमी हुई, एक पहाड़ को इन्होंने समझा ये है, उसके आसपास के इलाकों में थोड़े थोड़े फासलों पे ये बस गए, जो सरसब्ज जगह नजर आई। जाहिर है कि ये इलाका को इतना आपने देखा हुआ, मदीना आसपास भी देख लिया और मक्का की हालत तो वैसे ही खुश्की के एतबार से और पानी की कमी के एतबार से, तो जो इलाके इनको सरसब्ज पानी वाले नजर आए वहां पर ये आबाद हो गए। काम क्या कर रहे थे, इंतजार किसका, आखिरी नबी का। जब वो हिदायत, कुछ तेमा में मुकीम हुए, बाज फदक में बस गए और कुछ लोग खैबर में रहने लगे, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल रिवायत है। बाद में तेमा में रहने वालों ने अपने दूसरे भाइयों से मिलने का इरादा किया, इसी दौरान बनी कैस का एक अरब वहां से गुजरा, लोकल अरब वहां से गुजरा, उन्होंने उससे सवारियां किराए पर ली। उस अरब ने कहा, मैं तुम्हें ईर और ओहद की पहाड़ियों पर ले जाऊंगा। उन्होंने कहा, जब वहां पहुंचो तो हमें बता देना, यानी हम तो उसी की तलाश में हैं। हमें जब वो मदीना पहुंचे, कि उस वक्त मदीना में कोई आबादी नहीं थी, बस ये इलाका था। जब वो मदीना पहुंचे तो अरब ने कहा, ईर और ओहद की दरमियानी जगह यही है। ये सुनकर यहूदी सवारियों से उतर पड़े और बोले, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, इसी सरजमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी ने आना, अब हमें तुम्हारी सवारियों की जरूरत नहीं रही, तुम जाओ, हमने रिश्तेदारों के पास भी नहीं जाना, हमने यही रहना। जाहिर है वो तलाश कर रहे थे कि वो कौन सी सरजमीन है जिस पर अल्लाह के आखिरी नबी ने आना। अब हमें तुम्हारी सवारियों की जरूरत नहीं रही,
तुम जहां चाहो जा सकते हो। फिर उन्होंने फदक और खैबर में मुकीम अपने अफराद को इतला भेजी कि जिस सरजमीन की तलाश में आए थे वो मिल गई है, तुम भी आ जाओ, कि हमने मकाम हिजरत तलाश कर लिया। मकाम हिजरत यानी मकाम हिजरत सरदार अंबिया कि वो हिजरत करके जाओ, उन्होंने आना। आप देखें इनको भी मक्का नहीं बताया गया था, ये सरजमीन जहां पे अल्लाह के नबी ने अपनी हुकूमत कायम करनी थी, हिजरत करके जहां पर आना था उस सरजमीन को ये ढूंढ रहे थे। इन्होंने फदक और खैबर वालों को जब बुलाया तो उन्होंने जवाब में लिखा, हम यहां पर बस गए हैं, घर बार और माल और दौलत का एहतमाम कर चुके हैं, मदीना यहां से ज्यादा दूर भी नहीं है, जब वो वक्त आया तो हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे रसूल पाक आए तो हमें फौरी इतला देना, हम पहुंच जाएंगे। तैयार थे रसूल पाक की नुसरत के लिए। बाहर कैफ, ये लोग मदीना में मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गए। यह खबर तुब्बा नामी बादशाह तक पहुंची तो उसने हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये जितना अरब का इलाका था बेसिकली ये यमन की हुकूमत के मातहत समझा जाता था, और यमन के बादशाहों को तुब्बा कहते थे, जैसे मिस्र वालों को फिरौन कहते। तुब्बा ये कुरान में भी लफ्ज आया हुआ, एक बंदा नहीं है, हर जो बादशाह होता था उसे तुब्बा कहते थे। तो ये तुब्बा को गोया की रिपोर्ट दी गई कि तुम्हारी सरजमीन पर बगैर पूछे आके आबाद हो गए वहां, तो वो लश्कर लेकर आया। ये खबर तुब्बा नामी बादशाह तक पहुंची तो उसने हमला कर दिया, यहूदी कला बंद हो गए, उसने मुहासरा कर लिया लेकिन बाद में अमान दे दी। इसकी तफसीलात ये कि यहूदी उलमा ने उससे कहा कि देखो तुम हम पे हमला मत करना, ये सरजमीन आखिरी नबी की हिजरत की सरजमीन है, हम इसलिए आए हैं। तो जब आमतौर पे तो बादशाहों को आपको पता है बात समझ नहीं आती, फकत उनको ताकत का नशा ही, ठीक है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी है, तो उनको फकत ताकत का नशा ही अंधा कर होता जब तक कि कोई और डंडा आके उनके सर से ये नजर निकाले। लेकिन बास इस्तिस्नाई तौर पे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि एक बादशाह था फौज वाला था, लेकिन जब यहूदियों ने पैगाम भिजवाया उलमा ने तो इसने कहा कि मुझे तफसील से बताओ कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर। इसके दिल को बात लग गई, नेक था। उसने मुहासरा कर लिया लेकिन बाद में इन्हें अमान दे दी, जिसकी तफसील कुतुब में मौजूद है, मैंने आपको अर्ज की। जब ये बादशाह के पास आए तो उसने कहा मुझे ये जगह पसंद आ गई है, मैं यहां तुम्हारे पास रहना। यमन का सरसब्ज और शादाब इलाका छोड़कर ये मदीना उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। पसंद आ गई, क्यों पसंद आ गई? उसको उनकी बातें दिल में उतर गई थी, अल्लाह के आखिरी नबी। तो मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, यहूदियों ने जवाब में कहा हरगिज नहीं, यहां पे किसी की हुकूमत नहीं बन सकती, ये जगह एक पैगंबर का मकाम है हिजरत, यहां पे यानी सिर्फ उनकी हुकूमत बनेगी और यहां पे किसी की बादशाहत नहीं हो सकती, उनके अलावा कोई शख्स यानी बादशाह यहां पर क्याम नहीं कर सकता। तो बादशाह देखे कितना, ये बात सुन के भी पी गया, गुस्से में नहीं आया, अजीब ही बादशाह था। आजकल तो किसी के नीचे थोड़ी सी एक अफसरी की सीट हो उसका दिमाग ही ठिकाने नहीं आता। बादशाह ने कहा मैं अपने खानदान के कुछ अफराद छोड़े जा रहा हूं ताकि जब वो रसूल आए तो ये उनकी मदद करे। आप देखें उस बंदे का कमाल, अभी रसूल पाक आए भी नहीं है, वो सुन के इतना मुतासिर हो गया कि उसने कहा कि मैं अपने खानदान के बंदे छोड़ के जा रहा हूं और जब अल्लाह का वो नबी आए ताकि ये उसकी मदद कर सके। चुनाचे उसने दो कबीलों औस और खजरज को वहां छोड़ दिया। बस मदीना में पहले यहूदी आके रहे, उसके बाद औस और खजरज आए। इंतजार कौन कर रहे थे? इंतजार किन का अकीदा था? यहूदियों का। अब सुने ये रिवायत है इमाम सादिक अलैहि सलाम की, जब इन कबाइल की आबादी बढ़ गई तो उन्होंने यहूदियों के माल और दौलत पर तजावुज करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जमाना गुजरता रहा, आबादी बढ़ गई, झगड़े शुरू हो गए, तो ये ताकतवर औस और खजरज ज्यादा हो गए, इन्होंने हमले शुरू कर दिए। यहूदी, ये बात है जो अल्लाह ताला आयत में फरमा रहे, वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लदीन कफरू, और इसके आने से पहले ये फतह की दुआएं मांगा करते थे काफिरों पर।
क्योंकि ये दीनदार लोग थे, ये अहले किताब लोग थे, ये अपने आप को मोमिन कहते थे, उन्हें काफिर कहते थे, क्योंकि औस व खज़रज का कोई किताब नहीं थी उनकी, मुशरिक थे, काफिर थे। यहूदी उनसे कहते थे कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे तो तुम्हें हमारे इलाके से निकाल बाहर करेंगे। उनको रसूल का नाम लेके धमकियां देते थे कि तुम जो जुल्म कर रहे हो, वो रसूल आने वाला है, वो बदले लेगा तुमसे, तुम्हें यहां से निकाल देगा। और तारीख क्या बताती है, औस व खज़रज मुसलमान हो गए, यहूदियों को निकाल दिया। इबरतनाक बात है। बाज़ औक़ात इंसान लरस जाता है ये सोच इसको पढ़ के कि क्या असबाब थे। बहुत गहराई से मुताला करना चाहिए कि क्या असबाब बने, कौन किया मदीने से मक्का से रसूल पाक को इनवाइट करने के लिए। यहूदी गए नहीं, किन लोगों ने जाके इनवाइट किया था, औस व खज़रज वालों ने। हालांकि जो इंतजार कर रहे थे उनको चाहिए तो भाग के जाते, पहले दिन जब उनको पता चला था रसूलुल्लाह को लेके आते, या रसूलुल्लाह आप यहां पर आए, नहीं गए। कौन गए, जिन्होंने इन यहूदियों की जुबान से रसूल के किस्से सुने हुए थे। इसका मतलब है ये उनसे भी ज्यादा गंदे हो चुके थे, करप्शन, बेईमान, बदअमाली। असल में ये असर डालती है इंसान पे, मुंह से जितना मोमिन बना रहे, मुंह से जितना मुंतजिर बना रहे, टाइम आने पे अपनी बेईमान पार्टी को वोट देता है। इंसान का अमल उसकी शख्सियत को बनाता है, ना कि इंसान की के दावे और उसकी बातें। इसलिए मौला फरमाते हैं, बातें करते हो तो पहाड़ हिला देते हो, और जब अमल का मौका आता है तो तुम्हारा अमल देख के तुम्हारा दुश्मन का दिल करता है मारे तुम्हें। दुश्मन का दिल कब करता है मारने का, जब उसे पता हो कि इन बदबख्तों ने आगे से कुछ करना ही नहीं, लिहाजा मारो इनको। और लेकिन अगर दुश्मन को पता हो कि एक मारूंगा दो थप्पड़ आगे से वो मारेगा, तो दुश्मन भी कहता है मुज़ाकरात कर लेते, लड़ते नहीं। तो वजह फरमा रहे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहूदी उनसे कहते थे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होंगे तो तुम्हें हमारे इलाके से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन ये इमाम रिवायत कर रहे हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, लेकिन जब पैगंबर अकरम मबऊस हुए तो औस व खज़रज उन पर ईमान ले आए और अंसार मशहूर हुए, जबकि यहूदियों ने कुफ्र इख्तियार किया। हालांकि इंतजार के ठेकेदार ये बन के बैठे हुए थे। चुनाचे वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफरू से इसी बात की तरफ इशारा किया गया कि तुम कैसे लोग हो, इससे पहले इसी रसूल को नाम ले लेकर अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह उसे भेज ताकि काफिरों से हमारा बदला ले, और जब अल्लाह ने भेजा है तो तुम उसी के दुश्मन बन गए। लेकिन जब वो उनके पास आ गया तो जिसे वो खूब पहचानते थे उसके मुनकिर हो गए। फलानतुल्लाह अलल काफिरीन, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसके नीचे किबला शेख साहब ने अहम नुकात में पहला नुकता ये लिखा है, इंतजार कायम अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ, यानी इंतजार इमाम जमान के लिए इसियान से बचना जरूरी है, अल्लाह की नाफरमानियों से बच के रहो इमाम की गैबत के दौर में, वरना अगर यहूदियों की तरह करप्शन और बेईमानी कर रहे हो और इंतजार भी कर रहे हो तो जब वो आएगा तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा वो, क्योंकि वो तो अदल के लिए आ रहा है, वो तो अल्लाह की जमीन को पाक करने के लिए आ रहा है। तुम अगर बेईमानी को लौटे हो तुम्हें वो पसंद ही नहीं आएगा। तुम अगर हराम खा खा के तुमने महल बना लिए, हराम खा खा के बैलेंस बना लिए जायदादें, वो तुमसे पहले कहेगा निकालो सारा बाहर, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहोगे मौला हम इंतजार कर करके मर गए और आप चाहते हैं मैं फुटपाथ पे आ जाऊं, आप मौला है ही नहीं। सबसे वही काम जो यहूद ने किया था। हराम खोरों को तो तैयार रहना चाहिए कि उनको तो दुआ करनी चाहिए मौला ना आए, बेईमान और करप्ट लोगों को तो कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए इमाम का, इसलिए कि उनके तो खिलाफ उन्होंने आना है। और सबसे पहले तो घर में सफाई करेंगे कि जो घर में खराबियां घुसी हुई होंगी, कि पहले घर को तो साफ करो, ये तो यहां पर इतने बैठे हुए लोग। ये असल इंतजार का फलसफा है। अल्लाह ने पूरी ये कौम की इंतजार की दास्तान बता दी है, दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं। अब इंसान मुताला करे, हर मुंतजर इमाम
उसे चाहिए कि इस आयत और इसकी अतराफ में जो इन यहूदियों की दास्तान है उसको बगौर पढ़े और देखे क्या असबाब थे कि ये जो इंतजार अपना वतन छोड़ के फलस्तीन यहां पर आए थे, ये उस जमाने में हिजरत करना कोई आसान काम भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि यहां से टिकट एक आराम से हवाई जहाज की लो और जाके वहां उतर जाओ आराम से और वहां भी बेहतरीन अपने लिए बुक कराओ और इंतजार करो। मिसाल के तौर पर वो धक्के खा खा के पता नहीं कितना लंबा सफर करके आके इस सरजमीन पर आए थे और ढूंढ रहे थे उस सरजमीन को। गूगल मैप्स भी नहीं थे उनके पास और इत्तफाक से उस बंदा उनको ले गया तो उनको वो ओहद और ईर के दरमियान की जगह मिल गई। क्यों आइम्मा, जो मैंने आपको फरामीन भी बताए कि मौला का खुतबा भी आपको मैंने सुनाया कि अल्लाह की जो जो बातें अल्लाह ने तुम्हें बतानी थी उसने बता दी है कुरान में, पिछलों से जिन कामों पर नाराज हुआ तुमसे राजी नहीं होगा। तो एक हकीकी मुंतजर को तो बड़ी आंखें खोल के रखना चाहिए कि अल्लाह ने तो एक कौम बयान कर दी है कि जो इसी तरह इंतजार कर रहे थे, बस फर्क यह है वो आखिरी नबी के मुंतजर थे, हम आखिरी इमाम के मुंतजर, बाकी है तो इंतजार। तवज्जो फरमा रहे, लेकिन जो असबाब अल्लाह जो इस कौम की हरकतें बयान की हैं अल्लाह ने कुरान में और उनका नतीजा ये था कि ये अल्लाह के रसूल के दुश्मन बन गए थे, वो हरकतें इंसान को देखना चाहिए हमारे अंदर है या नहीं, तब अपने आप को बदल के इंतजार शुरू होता है। ना कि मैं जो मर्जी कर रहा हूं मौला आएंगे तो बस वो सारा कुछ ठीक कर दें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये शेख साहब लिखते हैं इस नुक्ते में, इंतजार कायम अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ के लिए इस्यान यानी नाफरमानी से बचना जरूरी है, वरना जहूर मुंतजर के बाद गुनाहगार फैज से महरूम रह जाएंगे। जो आदि मुजरिम है उनको कहां पसंद आएगा अदल कायम करने वाली शख्सियत। सलवात पढ़े एक बार फिर मोहम्मद वाले। बाकी मानदा जो वक्त है, अगरचे ये जो मैं बात करने लगा हूं आपसे वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर बहुत ही तफसीली बात चाहिए, बहुत ही खतरनाक किस्म का फितना वो आजकल दोबारा से उसको जिसे कहते हैं हवा दी जा रही है। आजकल से मुराद पिछले चंद महीनों में खास तौर पर जब ये कुरान की तौहीन की गई बाज मगरबी ममालिक में, तो आपको पता है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों ने कुरान मजीद उठाकर और इसकी हिफाजत का और इस पर अपने एतकाद का और इसके एहतराम का तकाजा किया पूरी दुनिया से। तो उसके बाद से मुसलमान माशरे के अंदर फिर ये जरासीम ज़रा ज़्यादा हरकत में आ गए। और वो जरासीम क्या है? तहरीफ़ कुरान के जरासीम कि कुरान मजीद ये वो वाला कुरान नहीं है। वो मौला अली कुरान लाए थे, अब इमाम ज़माना लाएंगे। इनको पता भी नहीं है और लोग पढ़ते नहीं है कि कितनी आयात और कितनी रिवायात ये बता रही हैं कि जो कुरान मेरे और आपके हाथों में है वही कुरान है जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनके दिल में जो बात है कि काश ये भी कुरान में होती, क्योंकि वो नहीं है तो लिहाजा वो कुरान की को मशकूक बनाने वालों की तरफ मायल हो जाते हैं। कहते सही कह रहे हैं ना, ये बात कुरान में नहीं है, ये तो होनी चाहिए थी, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। तुम इस्लाम की जड़ पे वार करते हो अपनी जहालत की वजह से, तुम्हें पता नहीं है। सकलैन सकलैन कुरान और अहले बैत, इन दोनों में से जिसके साथ भी किसी की रगबत कम है उसका ईमान नाकिस है। अगर कोई आपसे कहे कि अहले बैत मशकूक है, आपको आग लगेगी कि नहीं लगेगी? इसी तरह आग लगनी चाहिए जब कोई खबीस यह कहे कि कुरान मशकूक है।
इसी तरह लगनी चाहिए, वरना ईमान नाकिस है, वरना हदीस सकलैन पर ईमान नाकिस है। मैं आपको अभी एक मिसाल देने लगा हूं मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में। ये बहुत तफसील तलब है, जितना मुझसे हो सका मैं, ये तो एक पहलू सिर्फ मैं बता रहा हूं। ये एक खुतबा है मौला अली अलैहिस्सलाम का इस नहजुल बलागा में, जो मेरे पास पीडीएफ है, खुद खुतबा नंबर 174 है। ये शुरू यहां से होता है, इंतफिउ बिबयान अल्लाह, अल्लाह के बयान से नफा उठाओ, यहां से शुरू होता है। मैं ये सारा नहीं पढ़ रहा, आगे जहां पर मौला पर्टिकुलरली कुरान के बारे में बात कर रहे हैं, जरा अल्फाज मौला के गौर से सुनिएगा। ये जो तहरीफ कुरान का शोर मचाने वाले हैं, इन बातों की तरफ इनका मुंह नहीं होता कि मौला ने ये क्यों कहा। मौला कुरान लाए थे कबूल, उससे क्या मुराद है? आया वो जो मौला कुरान जमा करके लाए थे, उसका टेक्स्ट इस कुरान के टेक्स्ट से मुख्तलिफ था? हरगिज नहीं। उस कुरान में मजीद तफसीलात थी, मसलन शान नुज़ूल था, फलान था, ये किसके बारे में उतरी, कब उतरी, न कि कुरान के टेक्स्ट में कोई तब्दीली थी। अगर कुरान का वो टेक्स्ट तब्दील हो गया था, तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली है, तो कोई झूठी रिवायत भी बताओ मौला ने आप रिवायत मिलती है ना, मौला ने कहा था ये तरावियां मत पढ़ो जमात के साथ, कहा था, लोगों ने नहीं मानी, छोड़ दिया। तरावी कहां और कुरान कहां? कुरान के बारे में क्यों नहीं कहा कि मैं कुरान लाया, तुम्हें पता है मैं कुरान लाया था, कबूल नहीं किया गया था। ये वो कुरान, कुरान कोई मामूली चीज थी, सकलैन में से एक था। जैसे नबी के जिम्मे कुरान पहुंचाना था, इसी तरह इमाम के जिम्मे कुरान की हिफाजत है, उन्होंने कुरान को लिफ्ट ही कोई नहीं कराई। ये इसराइलियात, इन्होंने आकर, जैसे मैं अर्ज किया करता हूं, दो सुतून इस्लाम के, एक कुरान और एक अहले बैत, इन दोनों को खराब और मशकूक करने के लिए इबलीस और उसके लश्करों ने घड़ घड़ के चीजें डाली है किताबों में। और जिनको कुरान का मिजाज पसंद नहीं आता, उनके इस्लाम के मिजाज के मुताबिक नहीं होता, उनको लगता है कि कुरान में कोई गड़बड़ हुई होगी ना, चूंकि मेयार वो है ना कि मेयार कुरान। जैसे इसी खुतबे में अगर मैं पहुंच गया वहां तक, मौला फरमाते हैं ऐसा लगता है ये किताब के इमाम है, किताब इनकी इमाम नहीं है, किताब को अपने पीछे चलाते हैं ना कि किताब के पीछे चले। बाज लोग वो जैसे एक मक्खी होती है ना, वो जहां गंद पड़ा वहां बैठती है जाके। सारी सही रिवायात कुरान की, अदम तहरीफ की ताइद में रिवायात इरशादात छोड़कर, वो गंद वाली मक्खी की तरह किसी इसराइली रिवायत पर जाके बैठेंगे जिससे कुरान मशकूक हो। लेकिन हमारी अवाम, क्योंकि वो जन्नत कन्फर्म है सबकी, किसी को जहमत की जरूरत ही नहीं। ये जरा खुतबा मौला के अल्फाज सुने और सुने कि अगर ये कुरान मजीद जो लोगों के पास मौजूद था वो कुरान तहरीफ शुदा कुरान था, तो ये मौला किस कुरान पे जोर दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो इसको पढ़ो। गौर से सुनिए, ये बेईमान इन चीजों को बताते ही नहीं है और लोगों के जहनों में कुरान के बारे में शुकूक व शुबहात डालते। वअलमु, ये खुतबा नंबर मैंने आपको बताया 174, इसका जो स्टार्ट हो रहा है नहजुल बलागा में, इंतफिउ बिबयानिल्लाह, इसमें आगे चल के यहां से मैं पढ़ रहा हूं, चूंकि यहां से कुरान का बकायदा जिक्र शुरू हो रहा है। वअलमु, और जान लो, अन्न हादल कुरान, ये मौला की हकूमत के जमाने में खुतबा इरशाद हुआ, जान लो कि ये कुरान किधर है? ये लोग कहते हैं वो कुरान तो है ही नहीं। मौला फरमा रहे हादल, अन्न हादल कुरान, जान लो ए लोगो कि ये कुरान हुवा नासिहुल लदी ला यगुश, ये वो नसीहत करने वाला है जो धोखा नहीं देता। अगर से आजकल का कोई चैंपियन होता तो कहता मौला कुरान तो इमाम ज़माना ने लेके आना, आप किस कुरान की बात कर रहे, ऐसे स्टूपिड है। वअलमु अन्न हादल कुरान हुवा नासिहुल लदी ला यगुश वल हादिल लदी ला युदिल, और ये जान लो कि ये कुरान ऐसा हादी है जो गुमराह नहीं करता। कौन सा कुरान मौला, वो तो है ही नहीं, आप कौन से कुरान की बातें करें, ये मौला को भी समझाएंगे। अपने दौर हुकूमत में कह रहे हैं ए लोगो जान लो ये कुरान वो ना जो है ही नहीं, जो तहरीफ हो गया, उसकी तरफ मौला कह रहे।
गलत रिवायत कुरान को मशकूक करने वाली इसराइली रिवायत की तरफ वो गंद वाली मक्खी की तरह जाते हैं, रगबत करते हैं। इतनी वाजे जो बात मौला कह रहे पढ़ो इसको, इसके फजाइल बयान कर रहे हैं, वो कुरान है ही नहीं, मौला एवं ही फजाइल बयान कर रहे हैं। कोई पूछे मौला किधर है वो कुरान, कहेंगे वो बारवा इमाम आएगा तब तुम्हें मिलेगा, अभी फिलहाल मेरी तकरीर पर इतफाक हो। ऐसे हाजा इशारा कर रहे, इशारा फरमा रहे, ये कुरान वल्हादिल लदी ला युदिल, और ये वो हिदायत करने वाला है कि जो गुमराह नहीं करता, वल मुहद्दिसुल लदी ला यकदिब, और ऐसा बयान करने वाला है जो झूठ नहीं बोलता। वमा जालस हादल कुरान अहद इल्ला काम अनहु बिज़ियादत औ नुकसान, और जो भी शख्स इस कुरान के पास आकर बैठता है, फिर मौला से कहे मौला वो तो है ही नहीं, आप किस कुरान की तरफ हमें कह रहे बैठता है, कहां बैठे हम जाकर, खुराफात। कुरान मौजूद था लोगों के पास, उस इमाम की इमामत पर एतराज आ जाएगा जिसको कुरान की परवाह ना हो, जो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, कह रहे बैतुल माल से किसी ने अगर ज्यादा लेकर खाया, बीवी को अकमेर दिया, वो भी वापस लूंगा मैं, उसे कुरान की परवाह ही कोई नहीं। जो कियामत तक के लिए किताब हिदायत अल्लाह ने दी है उसकी जो परवाह ही कोई। इससे पहले तीन दिन पहले जो आपको खुतबा सुनाया था वो आप सुन चुके, फल कुरान आमिर जाजिर सामित नातिक हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही ही, और इसी पर अल्लाह ने मखलूक से ऐद लिया है और वह है ही कोई। जो भी इस कुरान के साथ बैठता है, जब वो उठता है तो या एक चीज को ज्यादा करके उठता है या एक चीज को कम करके उठता है। ज़ियादतिन फी हुदन औ नुकसानिन मिन अमन, या तो अपनी हिदायत को ज्यादा करके उठता है या अपनी गुमराही में कमी करके उठता है। तो है ही नहीं तो मौला किसकी तकरीर फरमा रहे। आप सोचे मिलाएं जरा कि ये रिवायात आपस में टकरा रही है कि नहीं टकरा रही। ये तहरीफ कुरान वाले ये कभी नहीं सुनाएंगे आपको, चूंकि ये इन पर वही काम करेगा जो मच्छरों का स्प्रे मच्छरों पे करता है, कि तुम कह रहे हो उधर से कुरान इमाम जमाना ने लेके आना है, तो ये मौला अपने दौरे हुकूमत में किस कुरान को पढ़ने को कह रहे हैं, उसके कसीदे पढ़ रहे हैं। ये वो कुरान है जो गुमराह नहीं करता, जो फरेब नहीं देता, जो धोखा नहीं देता, तो तुम कह रहे हो ये कुरान ही चेंज हो गया। अब सुने वअलमु और जान लो अन्नहु लैस अला अहद बाद अल कुरान मिन फाकत। ये बहुत अजीब और सख्त जुमला है। जान लो ये के कुरान के बाद किसी को कोई फाका नहीं। ये फाके से मुराद रोटी का फाका नहीं है, हिदायत का फाका। बाद अस कुरान, यानी अगर तुम्हारे पास कुरान है इसके बाद फाका नहीं। वला ले अहदिन कबल अल कुरान मिन गनन, और अगर कुरान नहीं तो कुरान के आने से कबल कोई बेनियाज नहीं है, उसको जरूरत है इसके पास कुरान हो। अगर वो दीन कुरान से ले रहा है, अभी इसकी वजाहत करूंगा, तो मौला फरमाते फाका नहीं उसको फिर, और अगर कुरान नहीं है तो वो बेनियाज नहीं है, उसे जरूरत है कुरान उसके पास हो। मौला को जाके मौला आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो कुरान तो है ही, कुरान तो चेंज हो गया, कुरान तो जनाब वो इमाम लेकर आएंगे बारहवें इमाम, आप हमें बार बार क्यों कुरान का कह रहे हैं। इन सियाणों को ये नहीं पता, इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये फितना गर्म है, जो लोग सोशल मीडिया से ज्यादातर ताल्लुक रखते हैं आपको पता नहीं, और ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि अवाम जनाब उनको पता तो होता नहीं किताब में क्या लिखा है, बता दो रेफरेंस, किसने रेफरेंस देखना है, झूठा रेफरेंस ही दे दो। बाज लोग अपने झूठ को पक्का करने के लिए नीचे 6-7 रेफरेंस लिख देते हैं, किसी एक में भी नहीं होता। अवाम कहती है यार 6 किताबें चाहिए ये फिर कूड़ तो नहीं होना ना, वो तुमने देखा है किसी एक किताब में, असल इन 7 में से किसी एक किताब की शक्ल देखिए कभी, फतवा झाड़ देंगे। 7 किताबें गल आई है कूड़ते नहीं होनी, और तेनू पता 7 चाहिए एक भी नहीं आई।
समझदार बंदे बने, दीन की चीजों को, इस्लाम की दो सुतून, एक कुरान एक अहले बैत, उसकी जड़ पे वार हो रहा है तो परवाह कोई नहीं। ये मैं उनका तर्जमा पढ़ रहा हूं आगा मुफ्ती जाफर हुसैन का। जान लो कि किसी को कुरान की तालीमात के बाद एहतियाज नहीं रहती किसी और लाए अमल की, और ना कोई कुरान से कुछ सीखने से पहले उससे बेनियाज हो सकता है। यानी हतमन कुरान तुम्हारे पास होना चाहिए। यहां पे एक सवाल जहन में आ सकता है कि अगर कुरान के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं तो फिर हदीस कहां जाएगी, फिर फरामीन अहले बैत कहां जाएंगे। मौला ये नहीं फरमाना चाह रहे, ये तो एक आम इंसान को भी पता है कि अगर मेरे पास सिर्फ कुरान हो तो मैं तो जो नमाज लिखी हुई है वो भी नहीं पढ़ सकता, ना मैं हज कर सकता हूं, ना मैं रोजे के मसाइल कुरान से निकाल सकता हूं। सबको पता है, मौला को भी पता है। तो फिर क्या फरमाना चाह रहे हैं मौला? कुरान के बाद किसी को फाका नहीं है। तवज्जो फरमाइए, ये वही बात है जो दूसरे खुतबे में, दूसरे अल्फाज में मैंने आपको बयान कर चुका हूं मौला खुतबे में। वो क्या था? मौला ने फरमाया था कि अल्लाह ने जो कहा है कि मैं इससे राजी होता हूं, अब क्यामत तक वही उसकी रजा है। इससे मैं नाराज होता हूं इस काम से, अब क्यामत तक उसकी वही नाराजगी है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम वो काम ना करना जिस पे अल्लाह पिछलों पे नाराज हुआ है, और मत समझना कि तुमसे नाराज नहीं होगा। यानी सॉलिड बातें अल्लाह ने अपनी रजा और नाराजगी की कुरान में बयान कर दी, आसान कर दिया तुम्हारे लिए काम। ये भी वही बात फरमा रहे हैं कि देखो कुरान के बाद किसी को कोई फाका नहीं। यानी अगर कुरान से तुमने कोई बात अच्छी तरह जान ली, अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कहीं और से जाके चेक करवाओ कि यह बात ठीक है या बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर कुरान के अलावा तुमने दीन के नाम पे कुछ भी जान लिया है, तब भी तुम्हें जरूरत है पहले कुरान से जाके चेक कराओ, कुरान इसके मुखालिफ बात तो नहीं करता। तुम जितने बड़े रिसर्च स्कॉलर हो, अगर कुरान के खिलाफ वाली बात के नतीजे पहुंचे हो, वो गलत होगी और ठीक वो होगा जो कुरान में लिखा हुआ। यह मुराद है मौला की। इधर बड़े आराम से कुरान में, कुरान नाकिस है, कुरान में ये हुआ, इन रिवायात, इन आदीस, ये आदीस नहीं है। वही आदीस उनके नजदीक है, वही उनको अट्रैक्ट करती है जिसमें कुरान की तहरीफ के बारे में वो इसराइलियात भरी गई। लेकिन ये जो नफकत मौला अली, नफकत मौला अली, बाकी इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम रजा अलैहिस्सलाम, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम, कुरान कुरान कुरान, और वो कुरान था ही नहीं, ऐम ही वो कहते रहे ताकि कुरान के लोग नजदीक ना जाएं, ताकि यही हालत रहे इस कौम की और इस उम्मत की जिसमें चल रहे हैं। चूंकि अल्लाह के नबी ने हिदायत की जमानत किसकी दी है? आप ईमानदारी से बताओ, हदीस सकलैन पर आपका ईमान है या नहीं है? है ना? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक कुरान और अहले बैत दोनों का दामन थामोगे तब तक गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की कसम ये एक हदीस काफी है ये बताने के लिए कि कुरान मौजूद था लोगों के दरमियान। अगर मौजूद ना होता लोगों के दरमियान, कैसे अल्लाह का नबी कह रहा है कि कुरान से तमस्सुक करना जरूरी है जब है ही नहीं? अगर कुरान मुआशरे में मौजूद नहीं रहना था तो बस हदीस सकलैन तो खत्म हो गई। अल्लाह के नबी की लोगों की हिदायत की गारंटी तो फिर उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन सो कॉल तुम्हारे बकौल कुरान मजीद चेंज हो गया था, तारीफ हो गई थी, खत्म हो गई अल्लाह के नबी की गारंटी। उसके बाद कोई फिर हिदायत पर नहीं है। ऐसी अहमकाना बातें करते, कड़ियां मिलाते नहीं, इन्वेस्टिगेट करते नहीं, और लोगों के जहनों में कुरान के बारे में, जैसे एक जमाने में अहले बैत के बारे में जहर भरा गया लोगों के जहनों में, आज कुरान मजीद चूंकि लोगों के दरमियान मौजूद है, कहीं इसकी तरफ रुजू ना हो जाए, इसके बारे में जहन भर दो, इसको मशकूक बना दो। पहले अहले बैत से उम्मत को दूर कर दिया था, अब कुरान से इनको फारिग कर दो, और उसके बाद शैतानी खेल खुल के खेलो। अगर कुरान मशकूक है फिर आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है पीछे? कौन सा डॉक्यूमेंट है पीछे आप, जिस पर आप आंखें बंद करके फुल ट्रस्ट के साथ कहो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हर एक आजाद है, जो जो पसंद आए, जिसको जो रिवायत पसंद आए उसी पे अमल करे, बाकियों को छोड़े। कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं जिसमें इस्लाम की मुकम्मल तस्वीर पेश की गई। मैं कुछ अरबी छोड़ रहा हूं, सिर्फ तर्जमा पढ़ रहा हूं। इससे अपनी बीमारियों की शफा चाहो। अब इससे मुराद वो नहीं है जो आमतौर पे हम कर रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, पेट का दर्द ठीक करने के लिए, ये वो नहीं। आगे बोला ने खुद बताया है, उससे इनकार नहीं है, अल्लाह के कलाम का असर होता है।
अल्लाह के कलाम का जर्रात पे भी असर होता है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मौला का इशारा उधर नहीं है। वो मौला खुद वजाहत फरमा देंगे कि मेरी मुराद कौन सी बीमारी है। तवज्जो करें, इससे अपनी बीमारियों की शफा चाहो और अपनी मुसीबतों में इससे मदद लो। इससे मदद लो के मतलब कुरान सामने रख के कुरान मदद कर, कुरान मदद नहीं, इसकी रहनुमाई लो कि अल्लाह ने फितनों में क्या तरीका बताया मोमिनों को, कि तुम्हें क्या तरीका इख्तियार करना है, तुम्हें क्या रविश और क्या पॉलिसी इख्तियार करनी है, ना कि कुरान का तवीज़ बना के बांध लो हम कुरान से मदद ले रहे हैं, ये हमारा अपना घड़ा हुआ काम है। इससे अपनी बीमारियों में शिफा चाहो और अपनी मुसीबतों में इससे मदद लो। कौन सी बीमारियां और मुसीबतें? फरमाया इसमें कुफ्र और निफाक और हलाकत और गुमराही जैसी बड़ी बड़ी मर्जों की शिफा पाई जाती है। वो जिस्मानी मर्ज है नहीं, रूहानी मर्जों की बात कर रहे हैं। इसमें मुनाफकत की का इलाज है, इसमें गुमराही से बचने का इलाज है, इसमें कुफर का इलाज है। यह सबसे खतरनाक मर्ज है, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां तुम्हें चंद दिन तंग करेंगी, जबकि यह बीमारियां तुम्हें अबदी तौर पर बदबख्त बना देंगी। इन बीमारियों का इलाज लो इस कुरान से, और इसी को कुरान कहता है कि अल्लाह ने जो उतारा शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे सीनों के अंदर बीमारियां हैं उनकी ये कुरान शिफा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिये मौला के अल्फाज में अरबी तर्क करके बस ये तर्जुमा ताकि मैं जल्दी खत्म कर दूं इसको एक दो तीन मिनट में। इसके वसीले से अल्लाह से दुआ मांग, कुरान का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करो, इसकी मोहब्बत को लिए हुए अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। यानी अल्लाह से मांगनी है दुआ, तुमने तुम्हारे दिल में इश्क कुरान हो, अल्लाह देखे मेरी किताब का इश्क है इस दिल में जो मुझसे दुआ मांग रहा है, और इसे लोगों से मांगने का जरिया ना बनाओ तो अल्लाह से मांगने का जरिया बनाओ। ये जुमला सुनिए मौला का, यकीनन बंदों के लिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का इस जैसा कोई जरिया नहीं। ये मौला अली फरमा रहे, इसके जरिए अल्लाह को इसको वसीला बनाओ अल्लाह की बारगाह में तवज्जो करने का। ये उस कुरान की तारीफें हो रही हैं जो इनके बकौल वो है ही नहीं, वो बारहवें इमाम ने लेके आना है। ऐवें ही मौला अपना टाइम जाया कर रहे तारीफें कर करके, कह रहे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, जबकि वो है ही नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कुरान ऐसा शिफात करने वाला है जिसकी शिफात मकबूल, और ऐसा कलाम करने वाला है जिसकी हर बात तस्दीक शुदा है। क्यामत के दिन जिसकी ये शिफात करेगा वो उसके हक में मानी जाएगी, और उस रोज जिसके ऐब बताएगा तो उसके बारे में भी इसके कौल की तस्दीक की जाएगी। कुरान आकर कहेगा या अल्लाह इसमें ये खराबी थी, अल्लाह ताला तस्दीक करेगा कुरान सही कह रहा है। दो काम करेगा क्यामत के दिन कुरान, शिफात भी करेगा और शिकायत भी करेगा, और शिकायत करेगा अपने हवाले से कि ऐ परवरदिगार मैं इसके पास था, अगर हो ही ना तो कुरान की भी शिकायत नहीं बनती। मौला ये भी ऐसे ही फरमा रहे, इसके जगह ही कोई नहीं, कम अज कम हमारे लिए तो, जब तक बारहवें इमाम वो वाला कुरान लेके नहीं आते ठीक है ना, तब तक ये चीजें वैलिड ही नहीं है। जबकि मौला अपने दौरे हुकूमत में लोगों से ये कह रहे इन तहरीफ कुरान वाले जरासीमों के बकौल, उस वक्त तो कुरान था ही नहीं, वो तो अब मौला ने फरमाया अब तो वो बारहवां इमाम ही लेकर आएगा। उससे पहले ऐसी अहमकाना बातें करके मजहब को बदनाम करते हैं, मक्त पाकीजा मकतब अहले बैत को बदनाम करते हैं, जो खड़ा ही कुरान और अहले बैत के दो सतूनों पर, एक सतून ही उसका निकाल देते हैं, और इनको पता नहीं होता कितना बड़ा इसकी जड़ पे वार कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्यामत के दिन, अब ये मौला फजाइल पढ़ रहे हैं कुरान के, क्यामत के दिन एक निदा देने वाला पुकार कर कहेगा कि देखो कुरान की खेती बोने वालों के अलावा हर बोने वाला अपनी खेती यानी अपने आमाल के नतीजे में मुबतला है। यानी जिस जिसने अमल किए, जिन्होंने कुरान से बीज बोए थे कुरान को फॉलो किया था वो बच गए हैं, बाकी जिन्होंने अमल किए थे वो पकड़े हुए गिरफ्तार हैं। कहां से सीख के तूने ये हरकत की थी, कहां से तूने इस्लाम के नाम पे ये काम किया था, लेकिन जिन्होंने कुरान को बेस बनाया था उन पे कोई गिरफ्त नहीं। मौला फरमा रहे देखो कुरान की खेती बोने वाले
वालों के अलावा हर बोने वाला अपनी बोने वाला यानी बीज बोने वाला अपनी खेती और अपने आमाल के नतीजे में मुब्तला है। अब फिर मौला फरमाते हैं, लिहाजा तुम कुरान की खेती बोने वाले और इसके पैरोकार बनो और अपने परवरदिगार तक पहुंचने के लिए इसे दलील राह बनाओ। ये तकीदे आप देख रहे कितनी। और ये कहते हैं कि कुरान मजीद जो है वो और अपने नफ्सों के लिए इससे नसीहत चाहो और अपनी आरा को जो तुमने नजरियात बना लिए हैं कुरान से हटकर उसे कुरान पर पेश करो और अगर फर्क नजर आए तो अपनी आरा को मुत्तहम करो, क्योंकि कुरान तो अल्लाह का हक कलाम है। तुम सोचो तुमने कहां से अकीदे बनाए और नजरियात बनाए हैं, अल्लाह की किताब को मत कहो कि इसमें शक है। अपनी आरा को, ये मौला फरमा रहे, अपनी आरा को मुत्तहम करो कुरान पे पेश करके कि तुमने कहां से ये आरा बनाई है, और इसके मुकाबले में अपनी ख्वाहिशों को गलत और फरेब खोरदा समझो। अमल करो, अमल करो, आकबत और अंजाम को अपनी नजर में रखो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये सारा खुतबा नहीं था, कुछ खुतबा था कि जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आप खुद इसको पढ़ें, कई खुतबे और कई मकामात है जिसमें मौला ने, कोई एक नहीं है कि जिसमें मौला ने पूरी शिद्दत के साथ कुरान मजीद की तरफ रगबत दिलवाई है और कुरान मजीद के साथ कनेक्टेड रहना और मुतमस्सिक रहना उसके बारे में, उसको छोड़ देने के खतरात की तरफ मुतवज्जे की। ये उसूल काफी में अल्लाह के नबी का फरमान है, किताब फ़ज़ल कुरान के अंदर रिवायत है, लंबी रिवायत है, उसमें अल्लाह के नबी अपने हिसाब से फरमाते हैं, अभी तुम अमन व अमान के दौर में हो, मेरे बाद फिर फितनों का दौर होगा। उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इदल तबसत अलैकुमुल फितन, जब फितने अंधेरी रात के अंधेरों की तरह तुम्हें ढांप ले, तुम्हें कुछ न सुझाई देता हो कि हमने किधर जाना है, फ़अलैकुम बिल कुरान, तो उस वक़्त कुरान का दामन थाम लेना। ये कहते हैं कुरान है ही कोई नहीं, नबी ने एवं ही, मौला अली ने एवं ही ताकीदें की हैं कुरान की, उनको नहीं पता था बाद में कुरान होना ही नहीं, पहले इमाम से कबूल नहीं किया जाएगा और बारहवें इमाम तक बीच में कुरान होगा ही नहीं, फिर भी ताकीदें करते जा रहे थे। पता कोई नहीं था रसूलुल्लाह को, पता कोई नहीं था मौला अली को खुद। लिहाजा इस फितने को जानना भी जरूरी है, और जो ये शकूक व शुबात लोगों के जहनों में डालते हैं उन शकूक व शुबात की तरफ मुतवज्जे रहना और सही जगह से सवाल करना और सवाब का, अगर जहन में कोई इश्काल है, कोई एतराज़ है, कोई बात सुन ली, एक तो आप अच्छी तरह समझ लें कि ज़्यादातर हमारे लोगों की इंफॉर्मेशन सुनी सुनाई होती है और सुनी सुनाई की कोई तहकीकी वैल्यू नहीं होती जब तक कि उस जगह से ना देख लिया जाए जहाँ से कोई बंदा उसे कोट कर रहा है। यहाँ तो लोग कुरान के नाम पे झूठे तर्जमे करते हैं, झूठी आयतें कोट करते हैं, रिवायतों को तो फिर और ज़्यादा हाथ खुला हो जाता है। और अभी तो काम ख्वाबों पर और शेर व शायरियों पर चला गया है, वहाँ भी बंदे उस सुन के अकीदे बना लेते हैं, तो कुजा ये कि लिहाजा दीन के मामले में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला में तौफीक दे कि ज़रा अपने रवैयों को संजीदा बनाएं और ना समझें कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो ठीक ही सुन रहा हूँ और जो कुछ मैं नहीं दूसरे सुन रहे हैं वो गलत सुन रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ वो ठीक सुन रहा हूँ, बल्कि हर चीज़ को जानने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर मकाम होता है। और जब इंसान वो रवैया इख्तियार करता है, अल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग खलूस के साथ हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रस्तों की तरफ हिदायत ज़रूर बेज़रूर करते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार बेहक कुरान करीम व बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो दीन, जो रास्ता, जो सिरात मुस्तकीम कुरान करीम और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिखाई है और जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, जिसकी हिफाजत के लिए, ऐ परवरदिगार उस दीन के बारे में हमें हकीकी शऊर और बसीरत और मारिफत अता फरमा और हमें अपनी ज़िंदगियाँ उसी बसीरत और हकीकी मारिफत
کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اسلام مکتب اہل بیت کے خلاف ہونے والی فطر